शनि जयंती पर शनि को प्रसन्न करने के लिए करें ये उपाय, होगी आप पर शनि भगवान की कृपा। और कहा जाता है कि न्याय के देवता शनिदेव होते हैं, और शनिदेव को प्रसन्न करने के लिए क्या कुछ उपाय हैं, आइए हम जानते हैं पूर्णिया के चर्चित पंडित जी से इस शनि जयंती पर शनिदेव को कैसे प्रसन्न करें, कैसे लाभ। हर हर महादेव पंडित मनोज पंजा। पंडित जी, शनि जयंती पर क्या कुछ लोगों को करना चाहिए जिससे विशेष लाभ होगा, न्याय प्रिय देवता? सबसे पहले तो नाम ही है शनिदेव, इनके सामने कोई देव नहीं, एको हम द्वितीयो नास्ति। जो सूर्य का पुत्र है, यम का अग्रज है, तो कहा जाता है कि 19 मई 2023 को शनि जयंती है। जयंती का अर्थ होता है जन्म दिवस, जन्मदिन, तो उस दिन शनि भगवान का जन्म हुआ था। मगर शनि जयंती 18 मई 2023 को संध्या 7 बजे ही स्टार्ट हो गया है और 19 मई 2023 को संध्या 6 बजे समाप्त होता है। अगर हिंदी के अनुसार अगर जानिएगा आप, शुक्रवार जेठ माह अमावस्या कृष्ण पक्ष को यह शनि जयंती मनाया जाएगा। एक बहुत ही बड़ा संयोग की बात है कि उस दिन वट सावित्री भी पड़ रहा है, तो महिलाओं का यह सबसे बड़ा पर्व भी है जो अपने पति के लंबी उम्र की कामना करती है। तो एक तो शनि जयंती, दूसरा वट सावित्री, तो इससे बड़ा संयोग क्या हो सकता है कि महिलाएं अगर अपने पति के आयु के कामना के लिए शनिदेव का आराधना भी करें, तो उसके लिए तो शुभ ही शुभ है। तो कहा जाता है कि शनि दंडाधिकारी है, साथ साथ शनि राजा से रंक बनाने के लिए भी तैयार रहता है। शनि को न्यायाधीश भी कहते हैं। तो एक साथ ये सब कुछ है, दंडाधिकारी है, कर्माधिकारी है, न्यायाधीश है। तो न्याय किसके लिए करता है? वैसे व्यक्ति के लिए जो अपने प्रारब्ध का दुरुपयोग करते हैं, जो अपने कर्म के जो सही उचित कार्य है उसमें वो गलत काम कर लेते हैं, इसलिए वह कहा जाता है कि शनि अपने पीरियड में दंडाधिकारी बन जाते हैं। शनि हर समय सा दंड नहीं देता है, शनि का दो फेज आता है, एक है शनि का ढैया, एक है शनि का साढ़े साथी। शनि का साढ़े साथी यह 7.5 साल का होता है और शनि का ढैया यह 2.5 साल का होता है। कहता है कि जब लग्न कुंडली में द्वादश भाव में अगर शनि प्रवेश करे तो शनि का 7.5 साथी स्टार्ट हो जाता है, और लग्न कुंडली में चतुर्थ भाव और अष्टम भाव में शनि अगर आवे तो शनि का ढैया स्टार्ट हो जाता है। अच्छा पंडित जी, शनि जयंती पर शनिदेव को कैसे प्रसन्न करेंगे लोग, इसका कुछ उपाय बताएं? प्रसन्न करने के लिए सबसे पहले आपको शनि भगवान का आराधना करना पड़ेगा, उनका मंत्र उच्चारण करना पड़ेगा, ओम शं शनेश्वराय नमः, ओम शं शनेश्वराय नमः, ओम शं शनेश्वराय नमः। कहा जाता है कि शनि भगवान का परम मित्र है बजरंगबली, तो बजरंगबली के मंदिर में 2 दिया तिल का तेल में मंगलवार और शनिवार को जलाइए, साथ साथ शनि मंदिर में सरसों का तेल में शनिवार के दिन दिया जलाइए। इससे आपका शनि महाराज हमेशा खुश रहेंगे और आपको दंड नहीं, आपको राजा रंग से राजा बना देंगे। अगर उसी तरह गलत मार्ग चढ़िएगा तो राजा से रंग बना देंगे। अगर आप शनि जयंती पर दान करना चाहते हैं तो काला वस्त्र दान कीजिए, ये सबसे अच्छा माना जाता है। कंबल दान कीजिए, ये आपके लिए सबके लिए शुभ फलदायक है। हमारे साथ पूर्णिया के चर्चित पंडित मनोज पल झा थे, जिन्होंने आपको सारी जानकारी दी। न्यूज 18 डिजिटल पूर्णिया से विक्रम झा।